माशाल्लाह, सुबह सुबह नाश्ते में बकरे का गोश्त बहुत ही मजा आएगा। पहले अच्छा था ना, पहले हम थोड़ा खा लेते थे, लेकिन अब तो ऊपर आके बैठ गए और सारा जो है ना बकरे का गोश्त डाल दिया। आप फिक्र नहीं करें, आपको खिलाएंगे। क्योंकि इतनी इन्होंने ज्यादा प्यार मोहब्बत दी है, और आपको पता है जहाँ प्यार मोहब्बत हो वहाँ पे इंसान का दिल भी लग जाता है। बिल्कुल। अभी हम आपसे इजाजत चाहते हैं। हम तो नहीं देने वाले। क्योंकि आने की इतनी खुशी थी ना, बहुत ज्यादा। तो अभी गए तो पूरा घर मेरा कमरा सोना हो गया। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमें देखने वाले जहाँ भी खुश रहे और अल्लाह के फजल करम जहाँ भी खैर खैरियत से हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद। तो सुबह सुबह का टाइम है तो भाभी और भैया के लिए मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैंने कमरा, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी समेट लेती हूँ, झाड़ू भी लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाके दस्तरखान लगाऊंगी। सारे बिस्तर समेट के यहाँ लगा दिए हैं, और यहाँ जो है ना अब जो दस्तरखान लगेगा, ये लीड वगैरह, क्योंकि अभी अहमद भाई के मोबाइल्स वगैरह जो है ना यहाँ पर चार्ज लगे हुए हैं। तो अहमद भाई जो ही आते हैं तो यहाँ ये लीड वगैरह हटा के तो यहाँ इस जगह पर हम जो है ना दस्तरखान लगाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से, हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें। और रात से जो है ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, अभी जा रहा हूँ डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए। ब्लड चेक करवाता हूँ या लो है या तेज़ है, तो मैंने कहा अभी जल्दी से करवा लेता हूँ, क्योंकि मेहमानों को फिर आके नाश्ता भी देना और उनको। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद भाई भी फ्रेश हो चुके हैं, बाहर चल रही है ठंडी ठंडी हवा, भाभी भी अंदर आ गई हैं और भाई भी अंदर आ गए हैं फ्रेश होके, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है बहुत ज़्यादा, तो अंदर भी बैठे हैं। तो कहा थोड़ी सी ना आग ला दें यहाँ पे। जी जी बिल्कुल, आग का इंतज़ाम किया जा रहा है, अभी आ जाती है इंशाल्लाह। और सुनाएं कैसी गुजरी आपकी रात? बहुत अच्छी गुजरी है जी माशाल्लाह। और भाभी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। और आग भी आ गई है, अब सुनाएं अहमद भाई आप ठीक है? बहुत अच्छा लग रहा है। कह रहे थे मुल्तान में सर्दी बिल्कुल भी नहीं थी ना, अब यहाँ पता इनको चला कि सर्दी है या नहीं है, बताओ। हम भी तो है ना विलेज लाइफ में, तो बहुत हम उधर मुल्तान में रहे कुछ भी नहीं थी, फिर एक और इलाका है विलेज लाइफ का, तो वहाँ पे गए, वहाँ पे पता चला कि बहुत ज्यादा सर्दी है पाकिस्तान में। बिल्कुल। फिर उधर फिर मुल्तान गए, फिर सर्दी खत्म, फिर वो बंदे को याद भी नहीं रहता ना कि सर्दी है या नहीं है, हमने समझे शायद ऐसे ही मौसम हो गए। फिर जब इधर आए हैं बस ना पूछे जी, फिर सर्दी वापस आ गई, सर्दी वापस, क्योंकि ये विलेज लाइफ है बिल्कुल, मतलब के खुला इलाका है, हवा जो है वो डायरेक्ट लगती है। मामी जो है ना दस्तरखान लगाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि मेहमान अभी उठे हैं ना तो भूख लगी होगी, इसीलिए जल्दी जल्दी से नाश्ता लगा दूं ना। हाँ बिल्कुल। शाम को गाड़ी इस जगह पे खड़ी थी, अभी जो है ना रात होते ही हम जो है ना गाड़ी इस जगह पे खड़ी कर दी है ताकि महफूज भी रहे, और ऊपर जो है ना ये देखें कपड़ा डाल दिया है ताकि ऊपर वो क्या कहते हैं शबनम ना पड़े। और ये देखें मामी जी नाश्ता लेके जा रही हैं अंदर दस्तरखान पे लगाने के लिए। देखो और इस्लामुद्दीन यहाँ पर जो है ना कार्टून देख रहे हैं। आज अहमद भाई अपने हाथों से भाभी को खाना खिलाएंगे, ऐसे नहीं? बिल्कुल ऐसे, ये तो हर रोज का काम है। आज रोज आप रोज खिलाते हैं? हाँ जी। अभी जो है ना अहमद भाई खुद परोस रहे हैं, ये देखें सारा। हाँ जी सारा। ये क्या चीज है अहमद भाई पता है आपको? मैं शायद क्या चीज़ हो सकती है जल्दी बताएं। ये मैं बताऊँ फिश है। फिश है? फिश है नहीं, बड़ा गोश्त है फिर। हाँ। बकरा, बकरे का गोश्त, बकरे का गोश्त, बकरे का गोश्त। माशाल्लाह सुबह सुबह नाश्ते में बकरे का गोश्त बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखें जैनब का काम देखें, उसको बाहर निकाला, वो इतनी ठंडी हवा चल रही है उसकी टोपी गिरा दी है।
पागल है। हेलो इधर देखो क्या कर रही हो, रो रही है। यहाँ पे हो रहा था शर्म, लेकिन मामू मौके वारदात पर पहुंच गए। तो ये देखें अब जो मामू खुद डाल डाल के दे रहे हैं। अब ठीक है, अभी इससे अच्छा था कि पहले ही आप, पहले अच्छा था ना, पहले हम थोड़ा खा लेते बस, लेकिन अब तो ऊपर आके बैठ गए और सारा जो है ना बकरे का गोश्त डाल दिया। आप फिक्र नहीं करें, आपको खिलाएंगे, ऐसे थोड़ी ना जाने। मैं कहता हूँ खुद भी खाए ना, लेकिन वो खुद भी नहीं खा रहे। तो उनकी असल में ना तबीयत ठीक नहीं है और वो अभी डॉक्टर से वापस आ रहे हैं, डॉक्टर से होके। हाँ, डॉक्टर के पास थे अभी। माशाल्लाह से नाश्ता भी कर लिया है और अभी चाय पी रहे हैं। भाभी ने तो चाय पी ली है जल्दी जल्दी से, और इधर मामू भी बैठे हैं। मामू अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अब काफ़ी बेहतर। तबीयत मेरे खामद की इतनी ख़राब हुई है, उसके बाल देखो चिड़िया का घोंसला हो गया है। रात ना सोए नहीं है, अपसेट होती है तो फिर कुछ पता नहीं होता इंसान कहाँ बैठा है। बिल्कुल, फिर होश नहीं होती कि बाल भी सेट करने हैं। अभी कहाँ बैठे हो, अभी होश है? अभी अहमद भाई के पास बैठा हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह तैयारियां जोर शोर से शुरू हैं। सफर सफर बहुत ज़्यादा है, आखिर जाना तो है। बिल्कुल सही बात है, हमने तो कहा कि आप जो है ना पूरा एक माह हमारे पास ठहर जाएं, लेकिन कहते हैं कि यार मजबूरियां हैं तो फिर जाना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। बिल्कुल, सब ने दुआएं करनी है, हम खैर खुशी से पहुँचे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और ये देखें जी, ड्राइवर गाड़ी में बैठ भी चुके हैं। बेबो किधर जा रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई जान और भाभी जी जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। दिल तो नहीं कर रहा लेकिन मजबूरी है उनकी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो भाई साहब भी आपको अल्लाह पाक खैर वाफियत से घर पहुंचाए, तो भाभी जी को भी बस दुआएं चाहिए जी। बिल्कुल अभी बिल्कुल तैयारी है हमारी, हमारा भी दिल नहीं कर रहा क्योंकि इतनी इन्होंने ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी है, और आपको पता है जहाँ प्यार मोहब्बत हो वहाँ पे इंसान का दिल भी लग जाता है। तो बस इंसान की मजबूरियाँ होती हैं, जाना पड़ता है। घर तो फिर आपको पता है घर है, वहाँ के सारे काम काज भी। तो अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हम तो नहीं देने वाले। भैया और भाभी की गाड़ी आ रही है और हम लोग जो है ना रोड के ऊपर उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो मैं मोटर बाइक के ऊपर हूँ, वो गाड़ी के ऊपर आ रहे हैं, तो रोड भी नज़दीक आने वाला है, तो मैंने कहा जाके रोड के ऊपर छोड़ आऊँ। ये गाड़ी आ चुकी है और सामने देखें ये रोड पड़ा हुआ है माशाल्लाह से। अल्लाह हाफिज़ जी। भाई और भाभी को छोड़ के मैं वापस आ गया हूँ और बेगम साहबा जो है ना यहाँ पर आगे अंदर बैठ गई है। क्या हुआ? बहुत ज़्यादा ना टेंशन हो रही है कि भाभी और भैया चले गए, क्योंकि उनके आने की इतनी खुशी थी ना बहुत ज़्यादा। तो अभी गए तो पूरा घर मेरा कमरा सोना हो गया बिल्कुल। हाँ, ये यादें थी, यहाँ पर बैठे थे और सजावट माशाल्लाह से उनके लिए की थी। तो सब सजावट अपने भाई और भाभी के लिए की है, सबा भाभी और अहमद भाई के लिए। सच बात है, सब सही बात है, जाना तो ज़रूर होता है जी, लेकिन जब आता है इंसान तो बहुत खुशी होते हैं, जब जाते हैं तो दिल
बहुत दुखता है, बहुत परेशानी और टेंशन थी, बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। तो हम हाँ जी हम बस उनके लिए यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको खैर औफियत से घर पहुँचाए। उनका तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हम शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकते, हमारे पास लफ्ज़ भी नहीं है उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। वो बहुत बड़े और दिल, इतने कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए, तो उनका तहे दिल से हम बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं। वो बहुत बड़े दिल वाले हैं, यकीन माने जो दिल से बहुत अच्छे हैं अहमद भाई और सबा भाभी। जो इंसान जब उनसे मिलता है ना, तब पता चलता है वो कैसे हैं। जी बहुत बहुत तो मैं तो उनका सलूट करता हूँ, उनको, उनकी अजमत को, उनके जो मुश्किल वक्त में मेरे पास आए, मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया आकर मेरा। और वो हमारे भाई को ना, अहमद भाई को सब पता है कि कितनी मुश्किल है। हाँ जी, उनको हर चीज़ का हमारा पता है, बस हम अपने वीडियो पे शो नहीं करते हैं क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता कि हर बार घर की वीडियो पे हम लेके आए। हाँ, सिर्फ हमें पता है जो हमारे घर में मुश्किल चल रही है। तो अल्लाह पाक उनको और तरक्की दे, हमारी दुआ है। हम फिर से उनका तहे दिल से शुक्रिया सब घर वालों की तरफ से करते हैं कि अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए और तरक्की दे। 100 साल जिए, हजारों साल जिए सबा भाभी और अहमद भाई। तो उम्मीद करते हैं ऐसे हमारे साथ सपोर्ट करते रहेंगे। प्यारी भाभी और भैया यहाँ पर हमसे बैठ के बातें करते रहे और गपशप लगाते रहे, उन वही पुरानी बातें हमें याद दिलाती हैं और याद आ गई, तो हम भी वहाँ पर बैठ के वीडियो भी शूट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो हमारी आप बहन भाई को पसंद ही होगी। अगर पसंद ही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।